हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ टाटा स्काई HD प्लस रिकॉर्डिंग सेटअप बॉक्स का। ये जो सेटअप बॉक्स है, इसका खास बात यह है कि इसमें आप अपने मनपसंद चैनल, सीरियल, मूवी को रिकॉर्ड करके कभी भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 500 GB का इंटरनल हार्ड डिस्क स्टोरेज मिल जाता है जो कि इनबिल्ट होता है सेटअप बॉक्स के अंदर में। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसका कंप्लीट रिव्यू करके बताने वाला हूँ और बताऊँगा कि मैंने इसको कहाँ से और कितने प्राइस में परचेस किया। साथ ही साथ जानेंगे कि बॉक्स के अंदर में हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट चाहता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको टाटा स्काई प्लस HD सेटअप बॉक्स, ये जो रिकॉर्डिंग वाला है, अगर आपको ये लेना होगा या टाटा स्काई का अदर सेटअप बॉक्स भी लेना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप उससे टाटा स्काई बुक करते हैं तो आपको 200 रुपीज का आपके टाटा स्काई अकाउंट में कैशबैक के रूप में आपको मिल जाएगा। सेम हैज इट इज मेरे को भी 200 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो इसमें हम दोनों का फायदा है, अगर आप मेरे लिंक से बुक करते हैं तभी आपको 200 रुपीज का कैशबैक आपके अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट डीलर से बुक करेंगे या टाटा स्काई में डायरेक्ट कॉल करके बुक करेंगे तो आपको 200 रुपीज का कैशबैक नहीं मिलेगा। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आपको, उसी से आपको 200 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो चलिए अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं जो टाटा स्काई प्लस HD रिकॉर्डिंग सेटअप बॉक्स है, ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में आपको देखने को मिल जाता है। वहीं आपको इसके लिए स्पेशल आपको LNB लगता है, जिसको बोला जाता है सुपर LNB टाटा स्काई के तरफ से। ये जो LNB है आपको टाटा स्काई प्लस HD रिकॉर्डिंग सेटअप बॉक्स के साथ मिलता है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल LNB होता है वो काम नहीं आता, इस कारण आपको इस पे सुपर LNB दिया जाता है। तो चलिए इसको अब मैं 1x1 करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको सेंट्रल में आपको एक सील दिखाई दे रहा है, आपको ये सील लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए मैं इसको अब सिंपली ओपन करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ आप देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का सारा कुछ दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये रहा इसका पावर एडाप्टर, आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार के पैकिंग में ये आया हुआ है। तो मैं इसको सिंपली बाहर निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा लैपटॉप में आपको पावर एडाप्टर मिलता है, उसी प्रकार आपको इसमें भी पावर एडाप्टर मिलता है, जिसका एम्पियर है 12 वोल्ट पे, ये 4 एम्पियर पे वर्क करता है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है, और आपको एक वायर भी दिया गया है जो कि सेटअप बॉक्स में लगता है। अब मैं आपको इसका वायर भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये रहा इसका वायर। तो इसका वायर को भी आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका वायर, जो कि जैसे हमारे लैपटॉप पर लगा हुआ आता है, सेम आपको हैज इट इज़ आपको उसी प्रकार का मिलता है। ये रहा इसका पावर वायर, जो कि हमारे जो एडाप्टर है वो ऐसे इस पे लग जाता है। तो ये रहा इसका पूरा पावर एडाप्टर का, पावर एडाप्टर और पावर एडाप्टर केबल आपको कुछ इस प्रकार मिल जाता है। ये रहा इसका कंप्लीट सेट पावर एडाप्टर का। तो अब हम रख देते हैं इसको साइड में। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसका रिमोट का। तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका रिमोट, आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको AAA बैटरी भी मिल जाता है 2 ठोक। और इसका जो रिमोट है, इसको मैं आपको बाहर निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप देख सकते हैं जो ये रिमोट है, ये थोड़ा अलग है टाटा स्काई का नॉर्मल रिमोट से। जैसे कि इस पर आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पॉज और प्ले का बटन मिल जाता है, फॉरवर्ड रिवाइंड का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसको नेविगेशन करने का आपको अलग टाइप का आपको यहाँ पे मिल जाता है बटन, जो कि हमारे टाटा स्काई का जो नॉर्मल रिमोट रहता है उसमें ये सब आपको दिखाई नहीं देता। तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है टाटा स्काई HD रिकॉर्डिंग सेटअप बॉक्स का रिमोट। बैक साइड में आपको टाटा स्काई का ब्रांडिंग भी मिल जाता है, और आप देख सकते हैं ये रहा बैटरी कंपार्टमेंट, जिसमें आपको AAA बैटरी 2 ठोक लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं रिमोट का जो लुक है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अट्रैक्टिव आपको दिखाई देता है। तो ये रहा टाटा स्काई HD प्लस रिकॉर्डिंग सेटअप बॉक्स का रिमोट। तो चलिए अब हम रखते हैं इसको साइड में। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये रहा वाईफाई अडाप्टर, आप देख सकते हैं इसमें आपको वाईफाई अडाप्टर भी मिल जाता है। तो चलिए इसको हम करते हैं ओपन सबसे पहले, और देखते हैं कि वाईफाई अडाप्टर कैसा आपको दिखाई देता है।
तो आप देख सकते हैं ये रहा वाईफाई अडाप्टर, आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ये वाईफाई अडाप्टर। ये जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये सेटअप बॉक्स में इंटरनेट एक्सेस करना है, ताकि जैसे आप मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग आप इस पर कर सकते हो, अगर उस टाइप का अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आप इस पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो थ्रू वाईफाई अडाप्टर, क्योंकि इसमें आपको वाईफाई अडाप्टर मिलता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको वाईफाई अडाप्टर बॉक्स के अंदर में ही मिल जाता है, ताकि आप सेटअप बॉक्स पे इंटरनेट एक्सेस कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो चलिए अब हम रख देते हैं इसको भी साइड में। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ HDMI केबल। इसके साथ आपको एक HDMI केबल भी मिल जाता है। तो चलिए हम इसको भी दिखा देते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये रहा HDMI केबल, आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का ये HDMI केबल दिखाई देता है। तो आपको HDMI केबल भी मिल जाता है बॉक्स के अंदर में। अब मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इसका LNB, जो कि सुपर LNB है टाटा स्काई के तरफ से। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ आपको डिटेल मेंशन है इसमें, आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है LNB। तो चलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं है, तो बॉक्स को रख देता हूं मैं साइड में। तो ये रहा इसका सुपर LNB, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज में आता है ये सुपर LNB, और जो नॉर्मल LNB होता है उससे ये 4 से 5 गुना बड़ा होता है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वेट भी है इसका, कंपेयर करेंगे आप जो नॉर्मल LNB होता है उससे। और इसमें आपको 24 बैंड मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 24 यूज़र बैंड। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है ये सुपर LNB। तो चलिए अब हम रखते हैं इसको साइड में। चलिए अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो कि हमारा मेन यूनिट है टाटा स्काई HD प्लस रिकॉर्डिंग सेटअप बॉक्स। तो आप देख सकते हैं आपको ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में मिला हुआ है, और हम इसको बाहर निकालते हैं तो आपको इस प्रकार के रैपर में पैक हुआ आया हुआ आपको मिल जाता है, और अंदर में हमको एक पेपर मिल जाता है और एक जेली मिल जाता है। तो चलिए अब हम रख देते हैं इसको साइड में। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में टाटा स्काई प्लस का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है, और राइट हैंड साइड में आपको HD लिखा हुआ मिल जाता है। सबसे पहले आपको एक रिमोट लाइट मिल जाता है, सेकंड में आपको अलर्ट लाइट मिल जाता है, और इस तरफ आपको स्टैंड बाई लाइट दिखाई दे देता है। और यहीं इस पे आपको लिखा है आस्क फॉर योर वीडियो ऑन डिमांड इंस्टॉलेशन, इसमें आपको वीडियो ऑन डिमांड इंस्टॉलेशन भी मिल जाता है। तो इस सेटअप बॉक्स की सबसे की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 500 GB का हार्ड डिस्क, जो कि आपको सेटअप बॉक्स के अंदर में ही मिल जाता है। इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एक साथ आप इस पे 3 चैनल को यानी कि 3 सीरियल को रिकॉर्डिंग कर सकते हो अलग अलग चैनल का। और इसमें आपको मिल जाता है लाइव TV को आप पॉज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो और फॉरवर्ड कर सकते हो लाइव TV को। और इसमें आपको वीडियो ऑन डिमांड का भी सर्विस मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको बॉक्स में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें आपको ये सारा फीचर्स मिल जाता है, रिकॉर्डिंग का, 500 GB हार्ड डिस्क का, रिवाइंड, फॉरवर्ड, पॉज आप कर सकते हो लाइव TV में, और इसमें आपको वीडियो ऑन डिमांड भी मिल जाता है। तो ये सारा फीचर्स आपको इस सेटअप बॉक्स में मिल जाता है। वहीं इस साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं इस साइड आपको डीजी कार्ड स्लॉट मिल जाता है एक ठोक, और यहाँ पे आपको USB मिल जाता है डोंगल को लगाने के लिए। तो आपको इसमें आपको 2 पॉट मिल जाता है, एक इधर मिल जाता है USB पॉट, और आपको एक इस तरफ आपको USB पॉट मिल जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं इस तरफ की बात। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये पॉट मिलता है ये है सैटेलाइट इन है, यानी कि जो भी हमारा सैटेलाइट या एंटीना से जो वायर जाता है वो इस पे लगता है, तो ये सैटेलाइट का इनपुट पॉइंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको AV का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके TV में HDMI नहीं है तो आप AV पॉट में लगाकर आप अपने TV पर चला सकते हो। और उसके बाद आपको मिल जाता है ऑप्टिकल X का पॉट। तो ये जो पॉट होता है ये साउंड के लिए पॉट होता है, अगर आपको अच्छे क्वालिटी में साउंड चाहिए तो आप इस पे वायर लगाकर सुन सकते हो। उसके बाद में आपको मिल जाता है HDMI पॉट, एक तो आपको HDMI पॉट मिल जाता है। उसके बाद आपको एक ईथरनेट पॉट मिल जाता है, अगर आपको वायरलेस जैसे कि आपके घर में ब्रॉडबैंड है तो आप इस पे ईथरनेट लगाकर इस पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और USB मिल जाता है यहाँ पर भी, और उसके बाद आपको पावर सॉकेट मिल जाता है जिससे इस सेटअप बॉक्स को पावर मिलता है, जो कि 4 एम्पियर का है और ये 48 वाट का होता है।
और जस्ट उसके साइड में आपको एक यहाँ पे राउंड सा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको एक छोटा सा फैन लगा हुआ मिल जाता है, जिससे जो भी हीटिंग जनरेट होता है सेटअप बॉक्स के अंदर वो इस वेंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और आपको नीचे तरफ भी वेंट्स मिल जाता है ताकि गर्म जो हवा है वो बाहर आ सके। तो ये रहा टाटा स्काई HD प्लस रिकॉर्डिंग सेटअप बॉक्स का, सेटअप बॉक्स का स्पेसिफिकेशन और सारा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये अब हम बात करते हैं कि मैंने इस सेटअप बॉक्स को कितने प्राइस में परचेस किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो इसका ओरिजिनली रेट है 9,300 रुपये, लेकिन मेरे को अभी टाटा स्काई की तरफ से ऑफ़र मिला है 4,999 रुपीज़ में। अगर आप नया कनेक्शन लेते हैं तो 4,999 रुपीज़। अगर आप अपने पुराने सेटअप बॉक्स जो HD सेटअप बॉक्स है उससे अपग्रेड करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 4,499 रुपीज़ में। तो मैंने नया कनेक्शन लिया है 5,000 रुपये में। और अगर आपको ये टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स लेना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, उस लिंक में जाकर अगर आप टाटा स्काई का चाहे ये सेटअप बॉक्स चाहे आप कोई भी सेटअप बॉक्स को बुक करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का आपके टाटा स्काई अकाउंट पर कैशबैक आपको मिल जाएगा रिचार्ज के रूप में, और साथ ही साथ मुझे भी 200 रुपीज़ का मिलेगा। इसमें हम दोनों को 200 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोज़ाना लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।